हरियाणा से शुरू हुई हिंसा अब राजस्थान तक फैल रही है। हरियाणा से सटे हुए राजस्थान के भिवाड़ी के अंदर भी उत्पात मचाने वाले लोगों ने तोड़फोड़ की है। इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, आप देखिए कि पहले आपको लोकेशन बताता हूं, ये पूरा ये जो राजस्थान का ये जो भिवाड़ी है, और ये भिवाड़ी जहां जिस जगह पर हम पॉइंट पे खड़े हैं इससे 100 मीटर इधर धारुएड़ा हरियाणा का, यानी कि हरियाणा और राजस्थान का ये टी पॉइंट है। और यहाँ पर एक भीड़ कल आई थी और यहाँ पर काफ़ी तोड़फोड़ की दुकानों में। इसी जगह पर आप ये जो तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, यहाँ जो सामने ये टायर की दुकान है, ये यहाँ पर ये तोड़फोड़ की थी। ऐसी कई सारी दुकानें हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जो ये शेड नीचे गिरा हुआ, ये शॉप थी आगे पूरी, यहाँ पर उपद्रवियों की भीड़ ने यहाँ पर इस सरिये लेकर घुसे और उसके बाद में इसको ये पूरी ये शेड थी, ये छत थी। अब देखिए कि छत इस वक्त नीचे थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई सुंदर। हाँ सुंदर, क्या ये कल यहाँ पर जो क्या हुआ था, भीड़ आई थी आपके यहाँ, तोड़फोड़ की थी? हाँ जी। क्या किया? मतलब 10-15 आदमी कम से कम तो आए थे उस सरिये और डंडे वंडे थे लेके, तो मेरे जो काम करता है इसमें उसके मारपीट के और काफ़ी देर मारपीट के सब तोड़ ताड़ दे, भीतर नुकसान किया काफ़ी, और जैसे थोड़े मोटे छोटे सामान था वो ले गए, कोई फेंक दिया वहाँ फेंक दिया, इस बगल वाली दुकान पे किया। ये जो छत आपकी गिरी है नीचे ऊपर थी, ये छत ऊपर लगी थी इसमें, वहाँ पर ऊपर हाँ। जो ये ऊपर आपके शेड नजर आ रहा है गिरा हुआ, यहाँ पर भी सरिये मारे थे? यहाँ पर सरिये मारी, उसमें मारे ऊपर खींच के नीचे पटक दिया इसको, और एक पंचर का बाहर होता है जो हाँ। वो भीतर मतलब तोड़ ताड़ दी पाइप उसकी, तो उसको हम अंदर कर दिया हमने अंदर। तो अब ये यहाँ पर आपके यहाँ पर भी ये इसको तोड़ने की कोशिश की, तोड़ दिया अभी तो वैसे बांध रखा है। अच्छा, ये बांध रखा आपने, वैसे तोड़ दिया। आप देखिए कि जो भीड़ थी उसने यहाँ पर न सिर्फ जो ऊपर ये छत थी टीन शेड बना हुआ था उसको गिराया और यहाँ तोड़फोड़ की, गेट को तोड़ा। ये देखिए कि अभी भी ये गेट टूटा हुआ नजर आ रहा है यहाँ, क्योंकि अब ये ताला लगता था, अब ताला नहीं लग रहा है, इसको बांध कर रखा हुआ है। और अंदर काफ़ी सामान होगा, अंदर भी काफ़ी नुकसान हुआ? अंदर जो नया सामान रखा था वो सारे बाइक वाइक को सब तोड़ ताड़ दिया, अंदर बाइक काफ़ी तोड़ी है उसको लेकर। तो अभी ये इसका लॉक नहीं खुल पा रहा है? अभी लॉक नहीं खुल पा रहा, लॉक चाबी घर रखे हमें, चाबी आपके पास में घर पे है तो चाबी यहाँ पर नहीं है। लेकिन अंदर जो तोड़फोड़ हुई है आप देख सकते हैं कि अंदर काफ़ी सामान है, क्योंकि ये रिपेयर का काम करते हैं आप, पंचर और रिपेयर का काम करते हैं, बाइक रिपेयर का। कितने लोग आपके काम करते हैं यहाँ पर? 3 लोग करते हैं। उनके साथ भी कोई मारपीट हुई? उनके साथ मारपीट हुई, फिर वो कहाँ गए अभी लोग? उनके घर भेज दिए, डर गए वो काफ़ी, डर गए थे इसलिए फिर मैंने उनको घर भेज दिया, उनको बाइक लेकर अपनी बाइक दे दिया, उनकी बाइक तो टूट गया था। और उनके फ़ोन आप बता रहे थे काफ़ी टूटे, ये ATM वगैरह मिले यहाँ पर, यहाँ से मिले ATM वगैरह, RC वगैरह यहीं पड़ा मिला है, और दो बाइक, दो RC नहीं मिल नहीं रही, दो RC नहीं मिल रही है, कहाँ नीचे कहीं नहीं पड़ी, गिरी हुई है उस टाइम तो नहीं जैसी, फोन ये पड़ा, ये अच्छा टूट गया सर यहीं पटक। ये देखिए कि ये अभी भी नजर आ रहे हैं फोन के कवर, अलग अलग जो फोन तोड़े गए यहाँ पर। तो उनके पास में सरिये थे और लाठियाँ थी, बाइक तोड़ दी दिखाऊं सर, आप देखिए कि ये बाइक जैसे रिपेयर होना आई थी। अच्छा, ये बाइक तोड़ी, रिपेयर होना आई थी इसकी। अब ये देखिए कि ये जो ये कस्टमर की बाइक थी, कस्टमर की बाइक उसको भी तोड़ी है, आप देखिए कि ये सरिये से मारा सर, सरिये से बाइक रिपेयर होना आई जो कि तो खड़ी थी, वो एक तो ले गया अपने वापस कल शाम को ही, और ये किसी बाहर किसी फ्लैटियर की वो सारी तोड़ी सरिया मार मार के। तो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर निशाना बनाया गया, ये बाइक को, स्कूटी को, ये भीड़ ने जिस तरीके की तोड़फोड़ की है ये नजर आ रही है कि यहाँ पर यहाँ जलाने की कोशिश की, जलाने की कोशिश की, पर वो हम पर बिजली चलेगी तो उसके बाद बुझा दिया हमने दूसरी बाइक, आग लगाई थी या? आग लगाई थी उसमें टायर में, तो जला नहीं, पर वो थोड़ा जला, फिर हम बुझा के पानी गिर के उसको ले गए। कहाँ कितने लोग थे, किधर गए वो? वो सीधा यहाँ के बक्कर मॉल में चले गए थे, मॉल में चले गए। और आप देखिए कि भीड़ यहाँ पर कोशिश की, इनकी दुकान जलाने की कोशिश की गई,
आग लगाई, फिर लेकिन आग बुझा दी गई। और इसके बाद में छोटी छोटी, आप देखिए कि लोग जो सड़क के किनारे पे जो लोग काम करते हैं, धंधा करते हैं, चिकन की शॉप है, चिकन का ढाबा है, इसको भी तोड़ा फोड़ा गया। और आप देखिए कि किस तरीके से पूरा तहस नहस कर दिया गया, ये पूरा का शेड तोड़ दिया गया, अंदर से तोड़ फोड़ की, ये छोटा सा ढाबा है, चिकन का ढाबा है, कॉर्नर है, उसको तोड़ा गया। और फिर ये भीड़ आगे बढ़ती हुई, ये जो सामने आपको जेनेसिस मॉल नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसके अंदर आगे जाकर घुसी। उसके बाद में पुलिस पहुँची, पुलिस ने खदेड़ा, कुछ लोगों को डिटेन किया, हालांकि काफ़ी संख्या के अंदर लोग भाग गए। पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया। आज शांति है भिवाड़ी के अंदर, हालांकि हालात तनावपूर्ण आज भी है, लेकिन सुरक्षा के लिए एहतियात के तौर पर पुलिस जगह जगह पर गश्त कर रही है। और भिवाड़ी के अलावा राजस्थान में अलवर के अंदर आज 10 ब्लॉक के अंदर धारा 144 लगा दी गई अगले 10 दिन के लिए। इसके अलावा जो भरतपुर का इलाका है, जहां पर जो हरियाणा से जो बॉर्डर जुड़ा हुआ नूस के आसपास का, वहां पर इंटरनेट बंद किया गया है। तो राजस्थान का अलवर और भरतपुर दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो मेवात से सटे हुए हैं, मेवात का एक बड़ा पार्ट इन दो ज़िलों में भी आते हैं, इसलिए यहाँ पर जो सुरक्षा बढ़ाई गई है और एहतियात के तौर पर अलग अलग जगह पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी है।